हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपका टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ब्रोन प्रॉपर्टीज़। देखिए, अपन यहाँ पर जो बंद के गुणधर्म हैं उससे रिलेटेड अपन बहुत सारी बातें वो करने वाले हैं। जहाँ तक अपन ने अपन प्रीवियस वीडियोज़ की बात करें, अपन ने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर अपन ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनमें आपके अपन ने बॉन्ड लेंथ की बात कर चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात अपन बात करें कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी अपन ने यहाँ पर जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी डिस्कशन कर लिया। आज यहाँ पर अपन जो डिस्कस करने वाले हैं जनरली वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी, या उसको एंथैल्पी भी कई बार है वो बोला जाता है। और फिर अपन इसमें जो बॉन्ड एंगल है उससे रिलेटेड अपन यहाँ पर बात करने वाले, क्योंकि जनरली आपको ये चीज़ें इसलिए पहले बताई गई क्योंकि आपने जब आपके MOT पढ़ी थी, VBT पढ़ी थी, तो उसमें आपके बहुत सारे नाम आए थे, तब वहाँ पर इसका डिस्कशन है वो अलग से नहीं दे रखा था, लेकिन छोटी छोटी परिभाषाओं के रूप में आपके जब एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से बहुत बार है वो क्या किया जाता है, सवाल पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं अपन यहाँ पर हैं जो अपने थर्ड प्रॉपर्टी आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी के लिए। देखिए, बॉन्ड एनर्जी के लिए अपन बात करें कि कोई दो परमाणु है, ठीक है, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो जुड़ने पर उनके द्वारा जो ऊर्जा है उसका क्या किया जाता है, उत्सर्जित की जाती है ऊर्जा का, एनर्जी का सेक्रेशन किया जाता है। तो एनर्जी सेक्रेशन के फलस्वरूप आपको क्या देखने को मिलती है कि वहाँ पर कुछ मात्रा के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अपन इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के बनने में और उसमें तोड़ने के अंदर बहुत सारे जो एटम हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। अब बनने के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न हो और आपका बॉन्ड ब्रेक होने पर जो आपकी ऊर्जा मुक्त होती हो, ये जो ऊर्जा है, या अपन कह दीजिए न्यूनतम कहें, ज़्यादा बेटर ये है कि ये न्यूनतम ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। कि वह ऊर्जा जिस पर कोई अणु है उसमें बॉन्ड जुड़ते और टूटते हैं तो वह न्यूनतम ऊर्जा उसकी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अब इस बॉन्ड एनर्जी को अपन स्पष्ट करें कि मान लो कोई आपका मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, उसमें जितनी अधिक मात्रा में बॉन्ड एनर्जी होगी उस कंपाउंड का उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्थायित्व होता है। दोबारा समझिए ये चीज़ कि किसी बॉन्ड के लिए या किसी अणु के लिए बात करें कि जो बॉन्ड एनर्जी है जितनी ज़्यादा अधिक होती है वह बंद उतना ही अधिक प्रबल होता है और उतना ही उसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है, स्थायित्व पाया जाता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि उसमें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसमें आपको उसकी जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है, और किसकी वजह से, बॉन्ड एनर्जी के आपके बढ़ने से। अब देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा A+B, आपका बॉन्ड बना AB। अब इसके साथ क्या निकली, आपको यहाँ पर एनर्जी सेक्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, कि यहाँ की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर पहले से कोई बॉन्ड उपस्थित है किसी मॉलिक्यूल के अंदर और मैं ऊर्जा देकर क्या कर रहा हूँ, उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो इस तरह से टूट जाता है। तो यहाँ पर अब बात करें तो यहाँ पर कि कोई मॉलिक्यूल ने क्या की, एनर्जी ग्रहण की, तो यहाँ पर जनरली आपको जो अवशोषण है वो जनरली देखने को मिलता है। आपको खासकर यहाँ पर जो बात ध्यान में रखनी है वही है कि बॉन्ड एनर्जी की मात्रा जितनी अधिक होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ही स्थायित्व वाला होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और इसमें जो कंपाउंड फॉर्मेशन है उसके लिए आपकी बात करें कि प्रबलतम बंध का निर्माण होता है,
तो इस तरह से अपन बात कर सकते हैं। अब बात करें इसी के लिए कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है जनरली आपको दो टाइप से है वो देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर अपन बात करें कि जो बहु परमाणु अणु हैं जनरली उनका अपन जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या बताया जाता है कि आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो दो प्रकार से उपस्थित हो सकती है। अब देखिए दो प्रकार से कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट इसमें बात करें बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, यहाँ पर आपका बंध क्या हो रहा है, टूट रहा है। दूसरी बर्न के एवरेज बॉन्ड एनर्जी, औसत बंध ऊर्जा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी आपके दो टाइप से उपस्थित है। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले बंध वियोजन ऊर्जा कि बंध वियोजन ऊर्जा होती क्या है। अपन यहाँ पर बात करें कि कोई भी अणु है उस अणु के अंदर किसी विशेष बंध को तोड़ने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस बंध की वियोजन ऊर्जा कहलाती है। दोबारा समझे, किसी बहु परमाणु अणु के लिए बंध वियोजन के लिए जो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है वह उसकी बंद वियोजन ऊर्जा कहलाती है कि जहाँ पर जो बंद है वो न्यूनतम मात्रा पर भी क्या होता है, टूट जाता है। कि उससे अधिक होने पर तो बॉन्ड टूटता है लेकिन न्यूनतम की बात की कि भाई जहाँ तक निम्नतम मात्रा में उपस्थित होंगे तो वह उसकी बंधतम ऊर्जा कहलाएगी कि भी न्यूनतम ऊर्जा पर अगर कोई बंध टूटता है तो, ठीक है। अपन उसके लिए निम्नतम कह सकते हैं, जैसे कई बार इनके लिए जो क्रांतिक ऊर्जा है इस टाइप का जो नाम है अपन जनरली यूज लेते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि बंद वियोजन ऊर्जा है वो इस तरह से उपस्थित हो सकती है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ जैसे H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल की अपन यहाँ पर ब्रेकिंग की बात करें, जैसे मैंने जनरली ये बंद दिखाया है कि इसमें आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर H प्लस को छोड़ दें, अपन इसको एक इलेक्ट्रॉन अवस्था के अंदर दिखा दें, प्लस OH- अब यहाँ पर अपन इसके लिए दिखा रहे हैं तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन इस अवस्था में, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके द्वारा जो बंध वियोजन ऊर्जा है 118 किलो केल्विन पर मोल ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है। क्या हो रहा है, बंध का वियोजन हुआ और वियोजन होने पर इतनी मात्रा की ऊर्जा है वो यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो अपने को ऊर्जा की मात्रा आ गई तो ये इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ पर और क्या बताया गया है कि मान लो आपका ये तो OH बंद A टूटा है तब यहाँ पर ऊर्जा इतनी मुक्त हुई है। अगर वापस OH बंद O टूटता है, क्योंकि यहाँ पर देखो OH यहाँ पर ये OH बंद ही तो टूटा है जैसे मैंने इसको दिखाया, तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। तो जब ये बॉन्ड O टूटता है इस तरह से हो कि भाई फिर और क्या किया गया, इस बंध का और वियोजन किया गया, तो जनरली यहाँ पर 100 किलो केल्विन पर मोल जो ऊर्जा है वो यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये जो ऊर्जा का मान अपने को प्राप्त होता है, वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलती है, ये इसकी बंध वियोजन ऊर्जा है वो क्या कहती है, कहलाती है। कि जिस पर कोई बंध है वो टूटने पर क्या बना देता है कि यहाँ पर इस तरह से ऊर्जा मुक्त करता है। और अपन इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों में वियोजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, क्या बताया है कि किसी गैसीय अवस्था में एक बंध को
तोड़ने के लिए या उसको उदासीन अवस्था में आपके वियोजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह उसकी बंद वियोजन ऊर्जा कहलाती है। तो ये था आपके फर्स्ट कंसेप्ट इसी से रिलेटेड, बॉन्ड एनर्जी के अंदर आपका बॉन्ड ब्रेकिंग इन बंद वियोजन ऊर्जा। अब बात करते हैं इसमें इसी का सेकेंड टाइप, औसत बॉन्ड एनर्जी कि भी औसत ऊर्जा अपन इस यहाँ पर किसको कहेंगे कि जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपन इसको एक सीधे तरीके से समझें तो भाई आपका कोई बहु परमाणु अणु है जिसमें बहुत सारे बंद उपस्थित हैं, तो किसी एक बंद को तोड़ने भी अलग अलग बंदों को तोड़ने के फलस्वरूप जो उनका मध्यमान आता है कि उसमें उपस्थित जो बंदों की संख्या है वो क्या है, उसके आधार पर अपन क्या कहेंगे कि वह उसकी औसत ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ पर अपन इसी में इसका सेकेंड टाइप बात करें, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी को अपन किस तरह से कह सकते हैं कि किसी अणु में विभिन्न बंधों का वियोजन करने के लिए जो औसत ऊर्जा का मान होता है, ठीक है, किसी अणु में विभिन्न बंधों को तोड़ने के लिए वही आपके बहुत सारे बंध उपस्थित हैं, जैसे अपन यहाँ पर PCl5 ले एक बार एग्जांपल के लिए, तो उसमें बहुत सारे क्लोरीन परमाणु फास्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं, या इसके अलावा और कोई भी हो, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उन सभी बंधों को तोड़ने के लिए जो औसत ऊर्जा का मान है वह उसकी उस अणु के लिए औसत ऊर्जा अपन कहेंगे। तो अपन इसको एक 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 अपन इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते, औसत बंद ऊर्जा एवरेज बॉन्ड एनर्जी अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि अणु में उसके परमाणुओं को परिवर्तित करने हैं तो आवश्यक ऊर्जा, अणु में वियोजित करने के लिए हेतु आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। किसी अणु को अपने को क्या करना है, उसके परमाणुओं में परिवर्तित करना है परमाणु में परिवर्तित या वियोजित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा हो जाएगी। तो ये आपकी दूसरी बात कहें कि भाई आपका अणु है उसमें बंध की संख्या, तो अपन दूसरा कह देंगे अणु में बंद की संख्या कि भाई अणु में कितने बंद उपस्थित हैं, तो उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, औसत बंद ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी PCl5 लिया, तो यहाँ पर आपको पांच तरह के बंद हो सकते हैं, तो यहाँ पर अणु के अंदर बंद की संख्या होगी 5, ठीक है, और यहाँ पर उसके लिए वियोजित ऊर्जा के लिए आवश्यक जो ऊर्जा कह देंगे वो आ जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी बात कहें कि इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे मैं इसको E के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक है संभवन ऊर्जा कि जिस पर कोई बंद है आसानी से टूट जाता है, और यहाँ पर आपके अणु में बंदों की संख्या। अब देखिए ये अपने इस तरह से लिखा, अब यहाँ पर देखिए अपन कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें, जैसे कोई द्विपरमाणु अणु होता है तो उस द्विपरमाणु अणु के अंदर एक ही तरह के बंध पाए जाएंगे, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भी N2 है H2 है, ठीक है, ये अणु है, इन अणु के अंदर कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, तो इनके लिए क्या बताया गया है कि जनरली इनकी बंद वियोजन ऊर्जा और इसकी औसत बंद ऊर्जा दोनों का मान एक समान आता है कि दोनों के लिए एक जैसा मान आपका प्राप्त होगा। तो अपन कह सकते हैं द्विपरमाणु अणु में एक सा बंध उपस्थित होने के कारण जो औसत ऊर्जा और वियोजित ऊर्जा का मान लगभग एक समान प्राप्त होता है। दूसरी बात कहें कि यहाँ पर अपन एवरेज वाली हो दोबारा से बात कि मान लो यहाँ पर अभी तो द्विपरमाणु के लिए कहा, अगर यहाँ पर बहु परमाणु अणु हो,
जिसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल एटॉमिक आपका मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर बहु परमाणु अवस्था है किसी अणु के अंदर, ठीक है, किसी अणु के अंदर क्या है, बहुत सारे एटम हैं वो आकर यहाँ पर जुड़ते हैं। तो क्या बताया गया है, जनरली यहाँ पर जो क्या है कि अगर बंध विभिन्न संख्या में उपस्थित हो, कि बहुत अलग अलग हो, ठीक है, तब क्या बताया गया है, जैसे मैं यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल लिखूं, XCF2। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ भी बंद है, फ्लोरीन के साथ भी बंद है, तो अलग अलग हो गए। तो इस स्थिति में क्या बताया गया है कि जो आपका औसत ऊर्जा मान है और आपका जो बंध वियोजन ऊर्जा है, दोनों का मान क्या होगा, आपके अलग अलग प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बंध की संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके बॉन्ड एनर्जी कंसेप्ट, कि जिसमें अपन ने बात की कि बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, कि भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा हो वो उत्सर्जित भी हो सकती है और वो आपकी अवशोषित भी हो सकती है, कि भी किसी को ऊर्जा दी बंध टूट गया, किसी से ऊर्जा ली बंध जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या है कि बंध जुड़ना और आपके टूटने के आधार पर अपन क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेनेशन। जनरली दो टाइप से होती है यहाँ पर, एक तो आपका बंध वियोजन ऊर्जा और दूसरी आपकी औसत बंध ऊर्जा, दोनों को अपन ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, दोनों के लिए एकदम आपके अलग से एग्जाम्पल बता दी। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके बंध वियोजन ऊर्जा, सॉरी आपके बंध ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी जो आपकी अलग से जो दे रखा है आपके बॉन्ड एंगल, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन है। होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।